हेलो एवरीवन, माय नेम इज विजय कुमार। आई वेलकम यू टू दिस मार्केट एनालिसिस वीडियो। आज मैं आपको बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों के एनालिसिस प्रॉपर करके दिखाऊंगा, जिसकी हेल्प से आप कल ट्रेड मार्केट में ले सकते हैं, जो कि काफ़ी हद तक एक्यूरेट होता है कि आज भी एक अच्छा ट्रेड जैसा जैसा मैंने बताया था वैसा ही हुआ है। कुछ लगभग आप मेरी लास्ट वीडियो चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी हम निफ्टी को देख लेते हैं, निफ्टी कहाँ पर है और आप कैसे उसे ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। निफ्टी में कल जैसे कि मैंने बताया था एक शार्प सेलिंग हुई थी, ठीक है। तो आज एक साइडवेज मार्केट रह सकती थी, ठीक है। एक स्लाइटली पॉजिटिव, अगर गैप डाउन खुलती है तो एक स्लाइटली पॉजिटिव मार्केट रह सकती है, ठीक है, क्योंकि एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है ऊपर से, ठीक है। तो आज मैंने बताया था कि ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो अभी हम देख लेते हैं कि कल कैसे ट्रेड कर सकते हैं। अभी भी मैं आपको कुछ पॉइंट्स दिखा देता हूँ। अभी भी निफ्टी हमारा 50 के 0.5 लेवल के फिबोनाची लेवल को ब्रेक नहीं कर पाया, ठीक है। जिसको नहीं पता कि फिबोनाची का 0.5 लेवल, ये लेवल कौन सा होता है, ये 50% रिजेक्शन होता है, ठीक है। यहाँ पर सारे बड़े प्लेयर्स एंटर करते हैं, तो इतना बड़ा सेल ऑफ आने का क्या मतलब दिखता है आपको 0.5 से रिजेक्शन लेता हुआ, कि कोई बड़े प्लेयर की एंट्री हुई है, ठीक है। तो वो मार्केट को ऑब्वियसली बात है नीचे को पुश करना चाहता है। अगर इतना बड़ा सेल ऑफ यहाँ पर आया तो भाव क्या करना चाहता है, मार्केट को नीचे पुश करना चाहता है, ठीक है। तो इतने बड़े प्लेयर की यहाँ पर एंट्री हुई है 0.5 लेवल पर। ये अभी ज़रूरी भी नहीं है, ये ब्रेक भी हो सकती है, ठीक है। अगर मार्केट अभी इसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है इस वीक, तो ये ब्रेक भी हो सकती है, ठीक है। तो स्मॉलर टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पर स्मॉलर टाइम फ्रेम पे, पहले हम चेक कर लेते हैं निफ्टी को। इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, नाउ बेटर। आज मार्केट पूरा दिन साइडवेज रहा है, कल पूरा दिन मार्केट आज साइडवेज सा रहा है, ठीक है। तो अभी मैंने जो लास्ट टाइम आपको बताया था निफ्टी बैंक निफ्टी में एक अच्छा सेल ऑफ आया था, ये एक अच्छा सेल ऑफ आया। हमारा क्या प्लान था, हमारा ये प्लान था कि मार्केट इस पर टैप करके दोबारा एक सेल ऑफ ले सकता है, ठीक है। अगर मार्केट रिकवर करता है, अगर इस जोन में घुसता है, जैसे ये जोन है जो इस जोन में घुस जाता है, मतलब पहले वाले जोन में घुस जाता है, तो यहाँ से थोड़ी सी बाइंग हैपनिंग हो सकती है। पर मेरे को नहीं पता था कि मार्केट बिल्कुल साइडवेज हो जाएगा, मेरे को लगा था थोड़ी बहुत बाइंग हैपनिंग हो जाएगी, इस लेवल तक हो सकती थी, ठीक है। पर ये गलत, मतलब जो हमारा एजम्पशन था वो थोड़ा सा गलत था, क्योंकि कोई भी करेक्ट नहीं होता 100%, ठीक है। तो ऐसा मेरे को पता था कि अगर इस जोन के अंदर दोबारा घुसे तो थोड़ी सी बाइंग हैपनिंग होगी, ठीक है। वैसा ही हुआ और यहाँ पर मार्केट यहीं पर क्लोज हो गया। ये नहीं पता था कि मुझे यहीं पर क्लोज हो जाएगा, मार्केट थोड़ा सा साइडवेज हो गया। इसका एक रीज़न और भी है, क्योंकि मार्केट में पहले से अच्छा मोमेंटम हो चुका है, ठीक है। लोग पोजिशंस बना चुके हैं पहले से ही, इतना अच्छा मोमेंटम हो चुका है। जब तक ये मोमेंटम ब्रेक नहीं होगा, लोग बिल्कुल इस मोमेंटम से बाहर जाएंगे, तब तक एक नया मोमेंटम कैसे होगा। अब एक मार्केट साइडवेज हो चुकी है, ठीक है। आपको इन्वर्स फ्लैग एंड पोल पैटर्न दिख रहा होगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर ब्रेक करने की पॉसिबिलिटीज इस बार थोड़ी सी ज़्यादा है हमारे लिए, ठीक है। तो हमें कल हमें कैसे देखना है, एक ही ट्रेंड लाइन आपको दिख रही है, क्लियर कट ट्रेंड लाइन। अगर मार्केट फ्लैट खुलता है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा है हमारे लिए। और फ्लैट खुलकर ब्रेक करता है, आप यहाँ पर क्विक एंट्री ले सकते हैं, एक रेड कैंडल बनते ही क्विक एंट्री ले सकते हैं अगर ये ब्रेक करता है तो, ठीक है। ये ब्रेक हो जाएगा, फर्स्ट टारगेट आपका यही रहेगा। अगर ये ब्रेक हो गया तो एक अच्छा मोमेंटम आपको मिल सकता है 100 पॉइंट्स का और इसके नीचे, ठीक है। इसके ऊपर ये जो कंसोलिडेशन एरिया है, इसके ऊपर एक बाइंग ले सकते हैं, पर बाइंग कहाँ तक लेंगे मैं आपको बता देता हूँ, एक मिनट। क्या टारगेट होने वाले हैं, हम एक बार फिबोनाची लेवल ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। 0.5 का लेवल अभी टेस्ट नहीं हुआ, इस पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन क्लिक कर लेता हूँ मैं, ठीक है। तो वैसे तो मैं बिल्कुल बुलिश नहीं हूँ, कल भी मैं बिल्कुल बुलिश नहीं हूँ। अगर इस लाइन को ब्रेक करता है, इस जोन को ब्रेक करता है, मतलब 0.6 लेवल, मतलब 35600 के ऊपर मार्केट ट्रेड करती है, तब मैं जाके एक बुलिश होऊंगा। और ये जो ट्रेंड है ना, ये इसको मैं एक बार क्लिक इसको थोड़ा सा, ठीक है। ये जो सेलिंग ट्रेंड है ना, अभी ये पॉजिटिव में कन्वर्ट नहीं हुआ है, ठीक है। अभी बिल्कुल पॉजिटिव में कन्वर्ट हुआ है, अभी तो ये इसने 0.3 का लेवल टेस्ट करा है, 0.5 का लेवल भी टेस्ट करके नीचे आ सकता है। जब ये 0.6 का लेवल टेस्ट करेगा, तो अगर यहाँ पर ये थोड़ा सा होल्ड करता है और इसको ब्रेक करता है, तो ये हो जाएगा ट्रेंड रिवर्स हो जाएगा आपका, ठीक है। तो मैं वेट करूँगा, जब तक ट्रेंड रिवर्स नहीं होगा तब तक मैं कोई बुलिश
एंट्री नहीं लेने वाला हूँ, तब तक मैं सेल ही करूँगा मार्केट को अभी, तो ये शॉर्ट ही करने वाला हूँ मैं तब तक मार्केट को। तो आपसे भी रिक्वेस्ट है आप अभी कोई भी बुलिश पोजीशन ना ले, ये स्विंग ब्रेक होते ही हमें एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो ज़्यादा वो है हंगरी मेरी तरह है, वो यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक होते एक छोटा सा ट्रेड ले सकते हैं, और मैं कहूँगा कि इसको ब्रेक होने का वेट मत करिए, यहाँ पर आके यहाँ पर एंट्री कर बाहर आ जाइए। मतलब जब आपको यहाँ तक आपको ट्रेड मिल जाएगा, अगर आपने समझ लो यहाँ कहीं एंट्री करी और यहाँ से यहाँ तक ट्रेड, यहीं पर तुरंत एग्जिट कर दीजिए, वेट मत करिए ब्रेक होने का। ब्रेक हो सकता है, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज हैं, पर मार्केट यहाँ पर होल्ड करेगा। अगर आप मेरी तरफ बाइंग करते हैं, सेलिंग नहीं करते हैं, तो प्रीमियम डिके हो जाएगा, ठीक है। तो प्रीमियम डिके होने से अच्छा है कि आप यहीं पर बाहर आ जाइए, जब ये इसको दोबारा ब्रेक करे तो दोबारा यहाँ पर ये एंट्री कर दीजिए, सेकेंड एंट्री जो आपकी होगी, ठीक है, वो आपको एक अच्छा ट्रेड दे सकती है यहाँ से, ठीक है। तो ये स्ट्रेटेजी हमारी कल की इन बैंक निफ्टी, हम कोई बैंक पोजिशन नहीं लेने वाले कल, ठीक है। एंड ठीक है, अभी हम निफ्टी के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। निफ्टी कहाँ पर चल रहा है इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हैं निफ्टी में भी आज एक डोजी टाइप ऑफ कैंडल बन गया, ठीक है। निफ्टी में ने भी अभी 0.5 के लेवल को ब्रेक नहीं करा है, हम इस लेवल को ब्रेक होने के बाद, ये भी एक गोल्डन जोन है, जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होगा इतना ऊपर है जो कि, ठीक है, 17,200 का लेवल जब तक ब्रेक नहीं होगा तब तक मैं बुलिश हो ही नहीं सकता निफ्टी में, ठीक है। मार्केट ऐसा मतलब रिंग के भी ऊपर जाएगा तो भी हमें कोई सरप्राइज दे सकता है, यहाँ से एक अच्छा मोमेंटम आ सकता है, ठीक है। तो अभी हम तो वैसा ट्रेड नहीं लेने वाले, यहाँ से बुलिश होने ही होंगे, अभी हम सेलिंग ही करेंगे, ठीक है। ये एक अच्छा राउंड फिगर लेवल है, ठीक है, ये ब्रेक होते ही हम एक सेलिंग ले सकते हैं। अभी रुक जाइए, मैं आपको दिखाता हूँ, इसको क्लोज कर लेता हूँ, ठीक है। छोटे टाइम फ्रेम में हम चेक कर लेते हैं कहाँ पर ट्रेड लेना है निफ्टी के अंदर, कल कैसे ट्रेड ले सकते हैं, क्या सपोर्ट एरिया हो सकता है। कल मैंने आपको क्या बताया था कि ये एक बाइंग लेवल है एक अच्छा, मतलब यहाँ पर कौन बैठा हुआ है, यहाँ पर एक बायर्स बैठे हुए हैं, इस जोन में कौन बैठे हुए हैं, एक बायर्स जो पुश कर रहे हैं मार्केट के ऊपर, ठीक है। एक तो पहला ये वाला पॉइंट है, दूसरा एक कोई भी स्विंग होता है ना, अगर मार्केट कभी भी उस स्विंग के पास आती है, जैसे कि मार्केट इस स्विंग के पास पहले आई है, ये फर्स्ट टाइम आई है, तो फर्स्ट टाइम मार्केट रिस्पेक्ट करती ही करती है। अगर यहाँ पर आपको कोई पॉजिटिव साइन दिख रहा है तो आपको बाइंग करनी चाहिए थी, यहाँ पर मैंने एक बाइंग दी थी और एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिला, बस वो प्रीमियम डिके के कारण वो प्रॉफिट मेरे को आधा मिला, पर एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल गया था, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम जब भी मार्केट कोई स्विंग को रिस्पेक्ट करती है तो वहाँ से हम लोग रिटर्न का ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। मैंने बताया था क्लियर कट एक अच्छी शार्प सेलिंग के बाद थोड़ी सी मार्केट कूल डाउन होने के बाद एक अच्छा अप मूव दिखा सकती है, वैसा ही अप मूव दिखाया मार्केट ने आज, ठीक है। डब्ल्यू पैटर्न बनाया था मार्केट ने, ठीक है, एक अच्छा अप मूव दिखा दिया था मार्केट ने, ठीक है। तो कल कैसे ट्रेड लेना, आज का तो जो था अब ठीक है, अब हो गया, कल कैसे ट्रेड लेना है, ठीक है। इसमें भी आप देखेंगे तो एक ट्रेंड लाइन सी बन रही है, ठीक है। जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है, ये अगर ट्रेंड लाइन कल ब्रेक होती है, ये जो लेवल्स है, ये एक सेकंड मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेता हूँ, आपको प्रॉपर बता देता हूँ, ये 16,550 अगर ब्रेक होता है फ्लैट खुलने के बाद, ठीक है, इस पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन क्लिक कर लेते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन क्लिक यहाँ से, ठीक है, 16,550, ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ से हमने वो कर लिया, ये ब्रेक होती है हम एक शॉर्ट ट्रेड ले सकते हैं, एज सेम एज बैंक निफ्टी 100 पॉइंट का टारगेट हमें तुरंत क्विक मिल जाएगा। और कल बहुत सारा पॉसिबिलिटीज है कि इसको भी ब्रेक कर दे, पर मार्केट इधर थोड़ा सा होल्ड करेगी जिससे प्रीमियम डिके हो सकता है, तो मेरी माने तो यहाँ से बाहर आ जाइए, ठीक है। उसके जब दोबारा ब्रेक करे तो री एंट्री दोबारा करिए, ठीक है। तो ये हमारा प्लान है, एक बाइंग का क्या प्लान है, बाइंग इसमें हम ले सकते हैं, ठीक है, निफ्टी में हम एक बाइंग ले सकते हैं, ये स्विंग ब्रेक होते ही, मतलब जब ये जो लेवल है ना ये ब्रेक होगा, 16,650 का लेवल ब्रेक हो सकता है, थोड़ी सी बाइंग ले सकते हैं, पर मैं बाइंग बिल्कुल नहीं लेने वाला हूँ, ठीक है, मैं बाइंग बिल्कुल नहीं लेने वाला हूँ, आप भी मत लीजिए, पर थोड़ी सी बाइंग यहाँ से अभी भी पेंडिंग है, थोड़ी सी बाइंग आ सकती है इस लेवल तक, ठीक है। और कुछ, ठीक है, तो मैं टोटली एक प्राइस एक्शन ट्रेडर हूँ,
फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने बारे में बता दूँ तो मैं टोटली एक प्राइस सेक्शन ट्रेडर हूँ। मैं कोई भी इंडिकेटर का यूज़ नहीं करता, फिबोनाची और आरएसआई। कभी कभार अगर मेरे को यूज़ करने होते तो मैं कर लेता हूँ ट्रेंड की डायरेक्शन वगैरह पता करने के लिए या रिजेक्शन वगैरह पता करने के लिए। आई एम अ टोटली प्राइस सेक्शन ट्रेडर। तो इस चैनल पर सिर्फ आपको प्राइस सेक्शन से रिलेटेड ही वीडियोज़ मिलेंगी सारी। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। प्राइस सेक्शन इज अ की ऑफ सक्सेस इन ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट। ठीक है, प्राइस सेक्शन सबसे बड़ी चीज़ है, समझ लीजिए। आपको प्राइस सेक्शन ही सीखना पड़ेगा। मार्केट हमेशा प्राइस सेक्शन को ही फॉलो करती है, या कोई ऐसा इंडिकेटर नहीं है जो आपको कह दे कि बाई कर लो तो बाई कर लो या सेल कर लो तो सेल कर लो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। अगर ऐसा होता तो हर कोई स्टॉक मार्केट के अंदर पैसा कमा रहा होता है इस वक्त। ठीक है, तो ये सारे ऑपरेटर्स के गेम होते हैं, तो आप इनमें ट्रैप मत होइए। आराम से अपना प्राइस सेक्शन पर ध्यान दीजिए, लर्निंग करिए। ठीक है, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, ओके ये वीडियो यहीं क्लोज करते हैं। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।